गीता के 10वें अध्याय में ईश्वर को विभिन्न तरह से चिंतन करने के बारे में बताया गया। ईश्वर सर्वव्याप्त है, इनका चिंतन कैसे करें, इस विषय में कहा गया है कि हम जो पशु पक्षी, जो विशाल गुणों वाले व्यक्ति और जो भी हम ज्ञान, जो बुद्धि, जो कुछ भी हम देखते हैं, सभी चीज में, सभी गुणों में, सभी व्यक्तियों में, सभी प्राणियों में ईश्वर व्याप्त है। कैसे इनका चिंतन करें? विशालकाय प्राणियों, पशु पक्षियों, सर्वोत्तम ज्ञान और उसको सिद्ध करने की प्रवीणता को देखकर और समझ कर भी हम ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। इन विभूतियों का चिंतन करते हुए हम ईश्वरत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जाने कि श्रीमद् भगवद गीता के इन श्लोकों में विभूतियों के विषय में क्या कहा गया है। हम लोग विभूतियों के बारे में समझ रहे थे, तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृणा मर्यमा चास्मि यमा संयमतामहं। अनंतश्चास्मि नागानां, अनंत माने शेषनाग, अभी अनंत चतुर्दशी आएगी, मतलब शेषनाग की पूजा होती है। और ये कड़े गणेश चतुर्थी विसर्जन अनंत चतुर्दशी को होता है। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं, और यादसाम मीन्स जो जल से संबंधित, जलचर जल से जो भी संबंधित है उसमें वरुण में है। पितृणा मर्यमा चास्मि, अगर पितरों में देखो तो मैं आर्यमा पितर हूँ, आर्यमा। अब जो है आर्यमा क्या है, ये शब्द जो है हम लोगों के लिए नया आ रहा है, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितृणा मर्यमा चास्मि यमा संयमतामहं। नागों में मैं शेष नाग हूँ, और जलचरों में याद संबंधी जलचरों या जल के संबंधित चीज़ों में मैं वरुण हूँ। पितृणा मर्यमा चास्मि, और पितरों में मैं आर्यमा पितर हूँ, आर्यमा। ये नया यही बता रहा हूँ, आर्यमा क्या कहते हैं कि एक तो पूरा ब्रह्मांड जिसमें सैकड़ों ब्रह्मांड होंगे, यहाँ पर सैकड़ों ब्रह्मांड होंगे, ब्रह्मांड एक ही नहीं है ना, ब्रह्मांड बहुत सारे, बहुत सैकड़ों होंगे, मतलब कोई अंत नहीं है, अनंत। अच्छा, उसमें फिर अपना अपना ब्रह्मांड जैसे आकाश गंगा जिसमें है, और तीसरा है सौर मंडल जो बिल्कुल अपना है, जहाँ पर हमारा सूर्य है। तो जो सबका ब्रह्मांड है उसमें जो आदित्य है, जो सबके ब्रह्मांड को के बीच में जाता है, वो अर्यमा पितर, मतलब जिसको मोक्ष मिलता है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। जो तो अर्यमा पितर जो है उन पितरों को जो है जो रोशनी देता है, प्रकाश देता है, वो अर्यमा पितर कहलाता है। तो जब भी मोक्ष मिलता है जिसको, वो अर्यमा के पास, अर्यमा सूर्य के मंडल में चला जाता है। अपने सूर्य मंडल में हम सब हैं, ये हमारा सौर मंडल है। तो जब वो मोक्ष मिलता है तो वहाँ तक पहुँच जाता है। वो अर्यमा गणना सिद्धि होती है, सिद्धि रिद्धि सिद्धि में अर्यमा गणना, उसमें कि आदमी छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, जैसे अभी रूप ले सकते। हाँ, अर्यमा। अच्छा,
पितृणामर्यमा चास्ती यमः संयमतामः। और संयमता मीन्स संयम करना, कंट्रोल कराना। कंट्रोल करने में मैं यमराज हूँ, क्योंकि यमराज के कंट्रोल से सब सब कुछ चलता है। आदमी जो है उसी के डर से सब डरता है, हमें कह दो तो मृत्यु हो जाएगी, यमराज तो हर आदमी जो है उस काम से उस चीज़ को देखने लगता है। तो जो कंट्रोल करने वाले में शासन में यमराज हूँ मैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलियतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। अगर दैत्यों में मैं कौन हूँ? प्रहलाद को दैत्य, हिरण्यकश्यप का बेटा था, दैत्य का पुत्र था। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलियतामहं। कलिया तो मतलब कलेवा, जिसको बना लेते हैं कलेवा, क्या जो खाते हैं पहले, तो जो ग्रहण करने वाला, ग्रसित करने वाला है, उनमें मैं काल हूँ। सबसे ज़्यादा ग्रसित तो सभी को ग्रसित कर लेता है, सब समय में सब ग्रसित हो जाता है, समय के अंदर सब समा जाता है। तो काल माने समय भी, और समय के साथ आप वो काल लोग मृत्यु भी मानते हैं। प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलियतामहं। कले मीन्स कलेवा जैसे बनता है शब्द ना, उसी से बना है जो आप जो है ग्रहण करने वाला, दर्शन करने वाला। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, पशुओं में मैं सिंह हूँ, मृगेन्द्र मन सिंह। वैनतेयश्च पक्षिणां, और पक्षियों में मैं गरुण हूँ, गरुण जो विष्णु भगवान का वाहन। जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। नहीं, पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं। जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवताम, पवताम मीन्स होता है पवित्र करने वाला, किसी चीज़ की सफाई करने वाला, पवित्र करने वाला, है ना। तो इनका पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। उसका नाम पवन इसीलिए पड़ा है कि वो हर चीज़ को साफ करके पवित्र कर देता है। सुगंध भी उसके भी किसी को करो तो पवित्र कर देता है, वहाँ से हटाता है। पवनः पवतामस्मि, मतलब पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ। रामः शस्त्रभृतावहम्, और शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। राम सबसे बड़े शस्त्रधारी थे जब सब, तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। झषाणां मकरश्चास्मि, और जितनी भी मछलियाँ जलचर होते हैं उनमें मैं मगर हूँ। झषाणां जश्मने, जो जो पानी में रहते जलचर, उसमें जो है मकरश्चास्मि, मैं मगर हूँ। स्रोत सामस्मि जाह्नवी, अगर तुम स्रोत समझो कि नदी, जैसे कहीं नदियों के ऊपर जल का स्रोत है, तो उसमें मैं जाह्नवी हूँ। जाह्नवी मीन्स गंगा जी, गंगा जी, जाह्नवी को गंगा जी क्यों कहते हैं कि जन्हू ऋषि थे, एक ऋषि थे जन्हू, मतलब ऋषि थे कोई, उन्होंने अपनी जंघे से काटा था। हाँ, तो जंघे से काट के जो है काट दिया, जब गंगा जी को रोक दिया था उन्होंने, फिर जंघे से काट के गंगा जी के निकाल दिया। तो उसके बारे में गंगा जी तो बोला है कोई और से, हाँ ऊपर से आई थी और उनके रास्ते में आ गई थी। एक ऋषि थे, उनको अब तो जन्हू ऋषि कहते हैं, लेकिन वो जन्हू माने जंघा भी होता है। तो उन्होंने जो है अपने जांघे से उनका रास्ता रोक दिया था, फिर वहाँ से उन्होंने जांघ काट के निकली, तो उसे जाह्नवी में कहते हैं। जाह्नवी जो कहते हैं, गंगा जी का नाम आया। सुना भगीरथ जहाँ जहाँ चले वहाँ वहाँ गंगा ही। हाँ। और उनके वो सारे जो पूर्वज थे उनका सत्ता वो उद्धार हुआ, और उसने गंगा न आने से पहले ये कहा कि मैं तो आ जाऊँगी तो पंडे पंडे हो जाएगा। हाँ, आपने सिर पे ले लिया। तो मतलब गंगा जी के धार को रोकने के लिए बहुत लोग थे। हाँ, उन्होंने कहा कि ऊपर से गिरेंगे तो एकदम नीचे तक धरती फाड़ कर निकल जाऊंगी, हमारा वेग इतना ज्यादा ऊपर से गिरेंगे। ऊपर से ही आई, लेकिन रास्ते में जब बह रही थी तो जहाँ पे जिस रास्ते निकली तो वह जन्हू ऋषि का था, जन्हू, इसलिए जाह्नवी कहते हैं।
सर्गाणा मादिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वायाव प्रवदतामहम। सर्गाणाम आदिरंत, सर्गा मीन्स सृष्टि, सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, हे अर्जुन सृष्टि का आदि अंत और मध्य जो कुछ भी है सब मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, और विद्या में मैं अध्यात्म विद्या, जब आप यह पूरा आत्म गहन अध्ययन कर लो और आत्मा में आपका समा जाए, आत्म रह जाए और समझ लें अंदर पर, तो वो जो है मैं हूँ। वादा प्रवदतामहम, वाद मीन्स मतलब होता है उसका निर्णय, वाद विवाद करते हो तो उसका कोई निर्णय देते हो, तो जो जो आप वाद विवाद करते हो, कोई डिस्कशन चर्चा करते हो तो उसमें जो निर्णय लेते हो मैं हूँ। वादा प्रवदतामहम, अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेव अक्षया कालो धाता हम विश्वतो मुखा। अक्षराणाम अकारोऽस्मि, जितने भी अल्फाबेट्स हैं उसमें आ ये अकार जो है मैं हूँ। अक्षराणाम अकारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च, ग्रामर में जो समास आता है कर्मधारय द्विग समास अव्ययी भाव तत्पुरुष थोड़ा, उसमें मैं द्वंद्व समास हूँ। द्वंद्व जिसमें दो लाते हैं सुख और दुख है, रात समा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसमें के और लगा के बनाते हैं ना, कहते हैं ना रात और दिन, रात दिन सुख और दुख, सुख दुख ये समास जो बनाते हैं, और वो दो द्वंद्व समास हूँ। अहम एव अक्षया कालो, मैं ही अविनाशी काल हूँ, और धाता हम विश्व तो मुखा, और इस वो विश्व जो का जो मुख है इसका धाता मन पालन करता मैं हूँ। ऑल इन ऑल मैं ही हूँ। हाँ अच्छा, मृत्यु सर्वहरश्चाह, सर्वहरण करने वालों में मृत्यु सर्वहरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक्च नारीणाम स्मृतिर मेधा धृति क्षमा। उसमें उन्होंने कहा है कि सर्वहारा मृत्यु होती है, तो मृत्यु भी मैं हूँ और उद्भव पैदा करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चा, सर्वहरण करने वाला तो मृत्यु भी मैं ही हूँ, उद्भव माने पैदा करना, उद्भवश्च भविष्यताम जो भविष्य आएगा उसका उद्भव मैं ही करता हूँ, मतलब सृष्टि बनती है, सृष्टि का उद्भव भी मैं ही करता हूँ और मृत्यु भी सर्व मैं ही करता हूँ। अब अगले में स्त्रियों के गुण दे दिए, कीर्ति श्री वाक्च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। नारियों में स्त्रियों में मैं क्या हूँ, कीर्ति श्री मतलब शोभा लक्ष्मी, वाक वाक्पटुता बोलना, स्मृति बुद्धि, धृति पेशेंस जो पेशेंस है कंसिस्टेंसी, क्षमा, ये सारे गुण जो हैं स्त्री में होने चाहिए, ये मैं हूँ। ये सब अच्छे गुण हैं ना, कीर्ति श्री वाक्पटुता स्मृति मेधी मेधी मतलब बुद्धि धृति और क्षमा, स्त्रियों में मैं ये गुण हूँ। बहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा साम नाम, कह रहे वेदों में मैं सामवेद हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ,
गायत्री मंत्र जो है वो छा हाँ। मासाना मार्ग शीर्षो हम, जितने भी मंथ्स हैं उसमें अगहन का महीना, मार्ग शीर्ष का महीना मैं हूँ। ये दिसंबर जनवरी में जो आता है, कार्तिक दिवाली के बाद जो आता है, क्या बोलते हैं अगहन, अगहन अगहन बोलते हैं हमारे, मार्ग शीर्ष बोलते हैं संस्कृत में। मासाना मार्ग शीर्षो हम, महीनों में मैं मार्ग शीर्ष का महीना हूँ। ऋतूनाम कुसुमांकारा, और ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। द्यूतम छल यतामस्मि, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ, द्यूत हूँ। द्यूत कीड़ा में सबसे ज़्यादा छल होता है। द्यूतम छल यतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में मैं द्यूत हूँ और तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। जयोस्मि व्यवसायोस्मि, और व्यवसाय में मैं निश्चय हूँ, और जय जय भी मैं हूँ और व्यवसाय भी। व्यवसाय का मतलब होता है निश्चय। आप कोई बिजनेस करते हो उसमें अगर तुम्हारा निश्चय शक्ति, तुम्हारी डिसाइड करने की शक्ति बढ़िया नहीं है तो तुम कोई प्रॉफिट नहीं सकते। मान लो शेयर में ही लगाते हो और तुम्हें डिसाइड करने की अगर प्रवृत्ति है तो तुम कब खरीदना कब बेचना है, हाँ तो लॉस हो जाएगा। तुम्हें कब खरीदना कब बेचना अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम व्यवसाय पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो आपको डिसीजन पावर, आपको डिसीजन जो है जो लेना है वो डिसीजन ले जो है मैं हूँ। जयोस्मि, जय मैं हूँ। डिसीजन लेना भी मैं हूँ। सत्वम सत्ववतामहम, जो सत्व, सत्व मतलब क्या होता है, साहस और दृढ़ता, विश्वास का, आत्मविश्वास, उसको सत्व कहते हैं। साहस और आत्मविश्वास का दोनों का मिला के अगर जिसके पास होता है वो सत्व। जैसे मनुष्य सबसे बड़ा देव गुण जो है अभयम सत्व संशुद्धि, वहाँ भी यही बोला ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो सत्व अभय के बाद नंबर दिया उन्होंने कि एक तो अभय हो तो दैवी गुण है, फिर सत्व हो मतलब साहस और आत्मविश्वास, तो वही सत्व शब्द आया। और एक और जगह आया क्रिया सिद्धि सत्व भवती महताम नोपकरणे, कोई भी जो सफलता मिलती है सत्व से मिलती है, किसी उपकरण से मिलती नहीं मिलती, किसी डिवाइस से नहीं मिलती। कि अगर तुम्हें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बहाना लोग बनाते ये नहीं, इसलिए मुझे डिसीजन नहीं मिल पाया, तो क्रिया सिद्धि जो है वो सत्व मिलती। तुम में हिम्मत कम थी, तुम में हिम्मत आत्मविश्वास हो तो सब क्रिएट कर लोगे, वही है। द्यूतम छल यतामस्मि, तेजस तेजस्विनामहम, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, सत्वम सत्ववतामहम। वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि, वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, कृष्ण। पांडवानाम धनंजया, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, अर्जुन। मुनीनाम अप्यहम व्यासा, अगर मुनि देखो, मुनियों जितने मुनि हैं उनमें मैं व्यास हूँ, व्यास मुनि। कवीनाम मुष्णा कवि, अगर कोई विद्वानों में देखो जो हर चीज़ जानता है वो मैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उन्होंने संजीवनी मंत्र भी उन्हें आता था कि मैं मरे को भी जिला दें, इतना बड़े विद्वान थे वो, जो मरे को जिला दे उससे बड़ा विद्वान कौन होगा। तो कवीनाम मुष्णा कवि। अब इन्हीं श्लोकों को गीता के गीता गीत के रूप में सुनते हैं। श्लोक 29 से 31 को मैं गीता गीत के रूप में कह रहा हूं। जलीय तत्वो में वरुण हूँ, जलीय तत्वो में वरुण हूँ, सब नागों में मैं हूँ शेष, पितरों में आर्यमा और नियंत्रकों में यमराज विशेष। प्रहलाद हूँ दैत्यों में, काल हूँ समय में सब ग्रसे, प्रहलाद हूँ दैत्यों में, काल हूँ समय में सब ग्रसे, सिंह हूँ
पशुओं में गरुण, पक्षी में जो वैकुंठ बसे। प्रहलाद हूँ दैत्यों में, काल हूँ समय में सब ग्रसे। सिंह हूँ पशुओं में, गरुण पक्षी में वैकुंठ बसे। करे जो पवित्र पवन में, शस्त्रधारियों में राम हूँ। जलचरों में मगर, गंगा जल स्रोतों में सन्नाम हूँ। श्लोक 32वें से 34वें तक। रचनाओं में उसका अर्जुन, आदि मध्य व अंत हूँ। अध्यात्म ज्ञान विषयों में, तर्क वादों में अनंत हूँ। अक्षरों में अकार, द्वंद समास दो शब्द संयुक्त अक्षय काल हूँ। पालन करता विश्व मुख नयन युक्त, सर्वहरण कर्तृ मृत्यु, सर्वहरण कर्तृ मृत्यु में। भविष्य में होने वाली उत्पत्ति, स्त्री गुणों में यश, मन की दृढ़ता, वाणी स्मृति और संपत्ति। श्लोक 35 से 37वें तक। गीता गीत है। साम वेद में बृहत्ताम गायन, छन्नों में मंत्र गायत्री। मार्ग शीर्ष मासों में, ऋतुओं में बसंत मंगदायत्री। छल युक्त खेलों में जुआ, तेजस्वियों का मैं हूँ तेज। छल युक्त खेलों में जुआ, तेजस्वियों का मैं हूँ तेज। विजय व्यवसाय सत्व मैं, जो ले सतो गुण सहेज। विजय व्यवसाय सत्व मैं, जो ले सतो गुण सहेज। दृष्ट वंशियों में वासुदेव कृष्ण, पांडवों में मैं हूँ पार्थ। मुनियों में व्यास में, शुक्राचार्य में, विद्वत जनों में यथार्थ। लर्निंग, द फर्स्ट लर्निंग इज दैट how to know the supreme being, how to think about supreme being, the God, by seeing the world. Whenever we see the superior species in the different races, we should remember that this is because of the existence of the God. Say, if we see crocodile in the water, it means it is God, in the form of God. If we see Garuda or eagles in the sky, we can see, yes, this is the form of a God. Similarly, if we know about the effective personalities, then we can remember the Supreme Being. We can adopt them as our role model in order to perform the best work. Similarly, whatever best thing, best learning is available, that could be identified with the God. Lord Krishna has mentioned regarding the Adhyatma Vidya Vidyana. It means one should learn to the extent of spirituality till he attains the spirituality and he is able to answer the cross question, to do the debate. Then that will prove his learning is superior. So then with that learning is equal to the God. Similarly, the Lord Krishna has mentioned how to obtain or achieve the goal of being God.
सुप्रीम क्वालिटीज टू एक्वायर इन डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ हैज बीन मेंशन इन द नेम ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज. व्हाट आर दोज क्वालिटीज? से स्मृति मेधा धृति क्षमा कीर्ति श्रीवाक्ष नारी राम स्मृति मेधा धृति क्षमा. इट मीन्स फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट क्वालिटी इज वन शुड हैव द क्षमा फॉरगिवनेस. देन कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इन अवर वर्ड्स. देन intellect, we should try to acquire intellect. Then our memory should be strong. So then only we can become like Supreme Being and we can get the Ishwaratva and we can become popular, famous, because we will be rather bestowed with so many wealth, that is not physical wealth but spiritual wealth also. And when we can acquire the spiritual wealth, we can become popular, we can live even after physical death. That is called Ishwarat. So if you want to acquire Ishwaratva, or we want to become just like Supreme Being, we should try to follow this path. Thanks, dear. If you like this video, please subscribe.